मुझे अच्छे से पता है कि तुम तीनों मेरा लाल हीरा छीनना चाहते हो, और जैसे ही वो तुम्हें मिलेगा तुम तीनों मेरा तख्त हासिल करने की कोशिश करोगे। तीन नहीं दो, मैं तो यहाँ का वफादार नागरिक हूँ। चुप हो जाओ बेवकूफ। एक बार मैं धरती लोक और वीर लोक के ऊपर विजय हासिल कर लूं, उसके बाद तुम लोगों का हिसाब बराबर करूंगी, क्योंकि मेरे नए साम्राज्य में तुम जैसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं होगी। बालवीर, बालवीर, एक बेटे को रोकने के लिए अगर एक माँ को उस बेटे पर वार भी करना पड़े तब भी आज इस माँ के हाथ नहीं कांपेंगे। माँ, आप ही ने इस बेटे को सिखाया है, अगर तुम्हें अपना कर्तव्य निभाने से कोई भी रोके तो उसका सामना पूरी ताकत से करना चाहिए। मुझे अपनी शपथ निभाने से मत रोकिए माँ। मैंने कहा रुक जाओ। बालवीर, रुक जाओ वरना। कैसे रुक जाओ शौर्य? धर्म के मार्ग पर रुकना आपने कभी नहीं सिखाया। मुझे माफ करना माँ, लेकिन हर जन्म में मैं आपका ही बेटा बनना चाहूंगा। जाइए शौर्य और माँ को नीचे गिरने से बचा लीजिए, और मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपका आदेश नहीं माना। हमारे टाइम में टाइम कम होने की वजह से हम लोगों की बॉडी में वीकनेस आ रही है, अगर जल्दी से हमने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ, तो लोगों का पेशेंस भी खत्म हो रहा है। चिंडी, ये ऑक्सीजन सिलेंडर मुझे दे दो प्लीज। नहीं, मैं नहीं लूंगी। अरे दे दे। नहीं। चिंटू चिंटू, झगड़ा मत करो, अभी हमारी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। हाँ? लेकिन कम से कम अपने आत्मा सम्मान तो मत खत्म करो। फिर बड़े अंकल, आप इतना ज्ञान बांट रहे हो, इससे बढ़िया आप अपना मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर दे दो ना। हाँ, ले लो। सिलेंडर खाली हो चुका है। अरे खाली खाली
वीर ने खा लिया मेरा। देख लिया बालवीर कि इन लोगों के अंदर जितनी भी इंसानियत की दया पूंजी बची थी वो सब खत्म हो चुकी है। लोग खुद को बचाने के लिए जंगली जानवरों की तरह एक दूसरे की बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर बालवीर ने जल्दी से इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं ढूंढा तो ये पूरी धरती खत्म होने से पहले ही मैड हाउस बन जाएगी। नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अगर हमें अपने टाइमर में बचा एक सेकंड में डोनेट करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। यू राइट विवान। अरे लेकिन बालवीर कब आएगा? टेंशन मत लो चिंटी, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। धरती पर तो चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। मुझे तुरंत उस वामन ग्रह पर जाकर श्वेत हीरे को ले आना चाहिए, लेकिन जाने से पहले आखिरी बार मुझे मैं अब आप लोगों से दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन आपने मुझे माँ और बहन का जो प्यार दिया है उसे मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा। तू मेरा बेटा है देबू। प्यार का बदला तो कोई नहीं चुका सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज अपनी जान देकर मैं आप सबको और अपनी प्यारी धरती को तिमनासा से बचा लूं। इतने सैड क्यों लग रहे थे? मैंने भी उसे इतना सैड कभी नहीं देखा। बट रुको, आप इतने इमोशनल क्यों लग रहे हो? शौर्या ने इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया ना? हाँ विवान, शौर्य ने समस्या का हल निकाल लिया है और उसी को लेने के लिए मैं जा रहा हूं। जब तुम मुझे मिले थे तो तुम मेरे शिष्य बने, फिर मेरे भाई बने, और आज मेरे बराबर के बालवीर बन चुके हो। पटर, स्टूडेंट और ब्रदर तक तो ठीक था, लेकिन मैं आपके बराबर का कभी नहीं हो सकता। अगर बड़े भाई का जूता छोटे भाई के पैर में बिठोने लगे तो छोटा भाई छोटा ही रहता, बड़ा नहीं बन जाता, यू नो ना? ये भैया को क्या हो गया? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहा है? अनन्या, मैं तुम्हें भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ, अपना और विवान का ख्याल रखना। ओ हेलो, तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें
इतने इमोशनल मूड में क्यों बोल रहे हैं? पार्टनर कम ऑन, प्लीज हमें सच सच बता दो, हमसे कुछ मत छुपाओ। बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अपना और इस धरती का ख्याल रखना। मेरे जाने के बाद पार्टनर, पार्टनर रुको, ये है श्वेत पर्वत। इसी बर्फीले पर्वत के बीचों बीच उस श्वेत हीरे को रखा गया है। पहाड़ के बीचों बीच जाने के लिए मुझे उस गुफा में जाना होगा। मेरे पास केवल 20 मिनट बचे, मुझे जल्दी उस हीरे को हासिल करना होगा। पहले की बर्फ के नुकीले टुकड़े गिरकर आगे का रास्ता बंद कर दे, मुझे श्वेत हीरे तक पहुंचना ही होगा। अब तिमनासा की उल्टी गिनती शुरू और उसके दिल को लगेगा जोर का झटका। क्या हो रहा है? ये मेरा अनंत शक्ति का स्रोत अचानक अस्थिर क्यों होने लगा? लगता है इस बालवीर को श्वेत हीरा हासिल करने का कोई तोड़ मिल गया है। बालवीर को अगर मैंने वो श्वेत हीरा लेने से नहीं रोका तो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। कोई तिमनासा, मुझे एक चांस दीजिए, मैं जाकर वो व्हाइट डायमंड लेकर आता हूँ। तुम पर भरोसा करना, तिमनासा इतनी बेवकूफ नहीं है। सोना खरा है या खोटा, इसकी परख
सोने के आग में जलने से ही होती है। हम भी अपनी कीमत साबित करने के लिए बालवीर से लड़ने के लिए तैयार है। जो लोग मेरा तक छीनने की फिराक में है उनके ऊपर मैं कभी भरोसा नहीं करती। आपका भरोसा नहीं करना बिल्कुल जस्टिफाइड है कुंवर तिम्नासा, लेकिन इस वक्त मुझे और भयमार को भेजना ही सबसे प्रैक्टिकल स्टेप होगा आपके लिए। हाँ, क्योंकि अगर तुम बालवीर से लड़ने गई तो हो सकता है उस श्वेत हीरे की मदद से वो तुम्हें हरा दे, जबकि हमें सिर्फ बालवीर को 15 मिनट रोकना होगा बस। उसके बाद टाइमर हो जाएगा जीरो और फिर वीर-लोक के साथ साथ पूरी दुनिया का चेकमेट। इस बार गलती की तो माफी मांगने का भी मौका नहीं दूंगी। ऑफ कोर्स नॉट क्वीन तिम्नासा, ट्रस्ट अस। काले हीरे की अनंत शक्ति की तबाही चारों ओर फैल चुकी है। अब चाहे अच्छाई कोई भी रास्ता अपना ले, धरती का अंत कोई नहीं रोक सकता। ध्यान से देख लो, काल चक्र में अब केवल 15 मिनट का समय बाकी है। बालपरी, हम कितनी देर से बेहोश थे? थोड़ी ही देर हुई है। दूसरों को समय दान देकर तुम दोनों बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए हम सब ने मिलकर तुम्हें समय दान दिया है। अब तुम दोनों थोड़ी देर आराम कर लो। नहीं, हम आराम नहीं कर सकते, क्योंकि देवू भैया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो लेने गए, लेकिन वो जाने से पहले अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देवू हमें फाइनल गुड बाय बोल रहा हूँ। बालपरी, देवू भैया हमसे क्या छुपा रहे थे? प्लीज बताइए ना कि वो सॉल्यूशन लेने कहाँ गए हैं। बालवीर, इतना कीमती हीरा लेकर कहाँ चलिए? हीरे के असली पारखी तो हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। आज मेरे सामने आने की गलती खुद ही अमराज भी नहीं करेंगे। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना। वरना? वरना व्हाट? बालवीर, यमराज का नाम लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास मिस्टर टाइम नहीं है। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट हैं तुम्हारे पास। अगर 10 मिनट हमने तुम्हें यहाँ रोक लिया तो यमराज कहते थे तुम खुद बन जाओगे। सो रेडी, स्टेडी, गो। तुम दोनों को खुद भी नहीं पता कि तुम किस महाशक्ति का सामना करने जा रहे हो।
ब्रह्मांड की अनंत शक्ति को निगलने के लिए मुंह खोला है तुम दोनों ने, अब इसमें खुद समा जाओ। सिर्फ 10 मिनट और इसे रोकना है, फिर बाजी हमारी। वार क्यों नहीं किया रे? क्योंकि इस व्हाइट डायमंड की पावर से बालवीर जज और श्यूरी दोनों बन चुका है, और अभी इसकी फ्यूरी को अवॉइड करना ही स्मार्टनेस होगी। कड़कती बिजली के सामने जो आता है वो जलकर भस्म हो जाता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.